आपने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और चलिए बोलिए बोलने का मौका दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर के संबंध में मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहती हूँ इस जीरो आवर में। ये जनपद दो नदियों के मध्य में है, 1 किलोमीटर के इर्द गिर्द में बसा हुआ है, एक तरफ बेतवा एक तरफ जमुना जी। माननीय अध्यक्ष जी, जब भी बाढ़ आती है, क्योंकि ये जनपद एक ऐसा है जो रेलवे लाइन से नहीं जुड़ा हुआ है, जब बाढ़ की स्थिति आती है तो रास्ता कट जाता है, कोई साधन नहीं जाता, निकलने के लिए नहीं रह जाता है। दूसरा, क्योंकि मोरम बेतवा नदी से बहुत आयत में निकलती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद भी वहाँ 80 फुट गहराई से मोरम निकाली जा रही है। ये 1 किलोमीटर के मध्य में बसे हुए हमीरपुर जनपद में कदाचित कहीं से जरा से भूकंप का झटका आ गया तो पूरा का पूरा हमीरपुर जनपद दोनों नदियों में समा जाएगा। अतः आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि दोनों नदियों के तटबंध, क्योंकि सरकार को मैंने लिखा था, आग्रह किया था उत्तर प्रदेश को, उन्होंने कहा था केंद्र सरकार को सहयोग करेगी तो हम तटबंध बनवाने की कोशिश करेंगे, तो मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि वहाँ तटबंध दोनों नदियों के किनारे बंधवा करके हमीरपुर जनपद को सुरक्षित करने की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।